हाय फ्रेंड्स, कुक विद नीसू में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से इंस्टेंट पेस्ट्री की रेसिपी, यानी कि केक की रेसिपी। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसे इंस्टेंटली सिर्फ दो ही चीज़ों से घर में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी बाउल में थोड़ा सा पानी, और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर, और इसे हम अच्छी तरीके से घोल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से घोल लिया है। ये अच्छे से पानी में मिक्स हो चुकी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी व्हिप क्रीम जो होती है। तो हम व्हिप क्रीम से पहले क्रीम बना लेंगे। तो मैंने व्हिप क्रीम ले ली है, इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने बाउल में क्रीम डाल दिया है, हमें जितनी क्रीम चाहिए हम ले लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी 2 चम्मच पीसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर, और इसे हम अच्छी तरीके से हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये एकदम क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। हमें कम से कम इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यू हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। अगर ये गल रही है तो आप इसके नीचे आइस क्यूब रख के फिर उसके ऊपर हम अपनी व्हिप क्रीम तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी क्रीम एकदम अच्छे से बन चुकी है, हमारी क्रीम रेडी है। तो चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूँगी ब्रेड। ब्रेड के साइड के ब्राउन वाले कॉर्नर सबसे पहले हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 5 से 6 ब्रेड ले लिए हैं और सबके कॉर्नर मैंने काट लिए हैं। इसके बाद मैं एक बाउल को उल्टा करके रखूँगी और इसके ऊपर एक प्लेट यानी कि थाली रख दूँगी। तो ये हमारा केक स्टैंड बन चुका है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम रखूँगी और फिर जो हमने ब्रेड को लिया है इसके ऊपर मैं एक ब्रेड रख दूँगी ताकि हमारा केक बिल्कुल भी सरके ना। इसके बाद मैं इसके ऊपर शुगर सिरप लगाऊंगी जो हमने बना के रखा है। इसी तरीके से इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई करने के बाद जो हमने क्रीम बनाई है उसे भी मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। फिर इसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड रखेंगे और उसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे, फिर उस पर क्रीम लगाएंगे। इसी तरह से हम बैक टू बैक हर ब्रेड के स्लाइस पे शुगर सिरप और व्हिप क्रीम लगाते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, बैक टू बैक मैंने सब पे शुगर सिरप लगा के अच्छी तरीके से व्हिप क्रीम सबके ऊपर अप्लाई कर दिया है और सबको मैंने अच्छी तरीके से फैला भी दिया है। इसी तरीके से बैक टू बैक रखने के बाद हम सारे ब्रेड को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद शुगर सिरप लास्ट वाली ब्रेड पे अच्छी तरीके से लगा लेंगे, फिर व्हिप क्रीम भी हम इस पे अप्लाई करेंगे और जिस साइड साइड के हैं हम उस पे भी अच्छी तरीके से व्हिप क्रीम फैला लेंगे। तो चारों कॉर्नर में मैं अच्छे से व्हिप क्रीम से इसे सजा देती हूँ। तो देखिए, ये कितनी अच्छी तरीके से साइड साइड से भी हमने लगा दिया है। तो हमारे पास ये कलरफुल वाली मीठी वाली गोली है, तो मैं इसी से इसे डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो जेम्स की गोली से या किसी से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो मैं इसके बाद बीच में एक जेली वाली जो चॉकलेट होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, उसे रख रही हूँ। आपको अगर पसंद हो तो आप चेरी भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 2-2 केक तैयार कर लिए हैं। मैं इसे साइड साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से बने हैं, एकदम मार्केट की तरह। तो इसे मैं आपको अब कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसिपी के साथ। बाय।